बांदीपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन के नेता और सोनवारी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी हिलाल अकबर लोन ने बांदीपुरा जिले के सदुनारा क्षेत्र का दौरा किया और डीडीसी निर्वाचन क्षेत्र हाजिन बी के सदुनारा सदरकूट क्षेत्रों में डीडीसी चुनाव अभियानों की श्रृंखला को संबोधित किया जो कि आगामी 5 दिसंबर 2022 को मतदान के लिए जा रहे हैं। दरअसल लोगों को संबोधित करते हुए हिलाल अकबर ने कहा कि हमको कि आपको सही और गलत के बीच चयन करना है, इसलिए उम्मीदवार चुनने से पहले सावधानी से मतदान करें। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों की भलाई और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। मोहम्मद अकबर लोन ने सोनावारी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोगों से अपील की कि वे डीडीसी निर्वाचन क्षेत्र हाजिन बी में 5 दिसंबर को होने वाले मतदान में एनसी उम्मीदवार को भारी समर्थन सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर से सभी स्तरों पर अपनी एकता प्रदर्शित करें। हिलाल अकबर लोन के साथ जिला सचिव युवा तसादुक हुसैन, सब्बिर अहमद, सज्जाद अहमद, डीडीसी सदस्य आविदा जान, डीडीसी सदस्य सुंबल, जीएच नवी अंबर, मोहम्मद यूसुफ, मास्टर गुलाम मोहम्मद बागे और अन्य वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, मुझे दावा करने का कोई शौक नहीं है। आपने खुद देखा जितने लोग आज यहाँ जमा थे, तो आप खुद समझ सकते हैं जीत किसकी है। मैं दावा नहीं करूँगा, लेकिन आप खुद देखिए लोग कितने हैं, तो मुझे दावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीत हमारी इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की। यहाँ इलेक्शन एक जमहूरी अमल है। इस जमहूरी अमल में जब भी इलेक्शन का ऐलान होता है तो हम लोग गांव-गांव जाते हैं, तो इसी सिलसिले में हम हर किसी गांव में जा रहे हैं। और तो आज हम सोदाना आए थे, तो शुक्र अल्लाह का जो हमने और वेलमिंग रिस्पॉन्स देखा यहाँ इसका, ये जो गांव है अपना ये सोदनारा, तो मैं इन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज बड़ी तादाद में जमा हुए थे और उन्होंने ये वाजह कर दिया कि आने वाले इलेक्शंस में ये किस जमात का साथ दे रहे हैं और किस जमात की जीत होगी। सलाम। आपको एक बात बताऊँगा, कल हमारा जलसा है, कहीं एक और गाँव में जाना है, मैं आपको डाटा साथ लेकर आ जाऊँगा। स्कूल कितने बने हैं, पुल कितने बने हैं, OST टैंक्स कितने बने हैं, कॉलेज किसने दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज किसने दिया है, हाजन में एक और इंजीनियरिंग ये कॉलेज है, डिग्री कॉलेज किसने दिया है, सड़कें किसने बनाई हैं। अगर आपको पता है, पता होगा 2002 से पहले क्या था सोनाबरी में। अगर आज देखेंगे आप लोग कि 2002 के बाद कितनी तब्दीली आई, मस्बत तब्दीली आई, वो बयान करता है कि सोनाबरी में जितना काम नेशनल कॉन्फ्रेंस उतना किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है। तो लोगों को पता है लोग क्यों जितवा रहे हैं हमें, इसीलिए जितवा रहे हैं। हमें जज्बा है, हमें सियासत के बगैर कोई काम नहीं है। हम अपना घर नहीं चलाते हैं सियासत सियासत करके, हम अपना घर जला रहे हैं। मैं अपना घर जला रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ सियासत करके। हमने लोगों के घर बनाए हैं अपना घर जला के। देखिए आप, उन्होंने हमारे अकाउंट्स भी देखे, हमारे बैंक अकाउंट्स कितने हैं और कितना पैसा है, हमारे पास कितनी ज़मीन है वो भी आया है। हमारे पास जो बाप दादा के पास ज़मीन थी उतनी ही है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, शायद कमी हुई है वो सियासत की वजह से। अगर हमारे पास पैसा था वो भी गया वो सियासत की वजह से। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि उन्होंने घर बनाए अपने, हमने लोगों का काम किया, आप देखिए आया है, सब कुछ आया है। उनके पास क्या था आज क्या है, हमारे पास क्या था आज क्या है, ज़रा गिनिए, चलिए करें ना, इंक्वायरी करें, आइए ना, हमारे पास कितनी ज़मीन है आज, पहले कितनी थी, उनके पास पहले कितनी थी, आज कितना पैसा है, मुझे पता है, सबको पता है, सोनावारी के लोग जानते हैं मेरे अकाउंट्स में कितना पैसा है, मैं जानता हूँ कितना पैसा है मेरे अकाउंट में, मेरे बाप के अकाउंट में कितना पैसा है मैं जानता हूँ, उनके अकाउंट्स में कितना पैसा है, कहाँ से आया मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट।